हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था अपना लास्ट टॉपिक 23 टॉपिक चैप्टर। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर 24, दैट इज़ हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम इसका थोड़ा सा देखें तो हिस्टामिन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हिस्टामिन्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है। बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ अमीन्स, जो कि अमीन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हिस्टामिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स। ये जो हमारी सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, उनमें ऑलमोस्ट जो है हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ लोकल इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर द लोकल इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उससे जो इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी देती है अगेंस्ट द वायरस बैक्टीरिया वगैरह, तो उस कंडीशन में ये एक लोकल इम्यून रिस्पॉन्स के रूप में ये काम करता है। दे रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द गट, और ये हमारी आंत में जा कर के बहुत ही फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो है रेगुलेट करता है। इन एडिशन हिस्टामिन्स हैव ऑल्सो बीन नोन टू प्ले अ रोल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, और क्या कहते हैं हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज़ होते हैं, तो उनके जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी ये अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, इन द एडिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सो रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स इज़ द इनिशिएटिंग फैक्टर ऑफ एनी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। हिस्टामिन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय वेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। जो हमारे रिलीज्ड जो वेसोफिल्स होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं, जो कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़, आप लोगों ने टिश्यूज़ के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे टिश्यूज़ के आसपास जो हमारी जो सेल्स होती हैं उनको हम मास्ट सेल्स बोलते हैं, ठीक है, मास्ट सेल्स। ऑन स्टिमुलेशन एज अ पार्ट ऑफ आर इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरन पैथोजेंस, जो हमारा जो है फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है स्टिमुलेट करता है, उनसे उनके अगेंस्ट जो है काम करता है और हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स देता है जिससे कि उनसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था हिस्टामिन्स एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, ये तीन टाइप्स के होते हैं, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, H3 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और खुद से, बाकी हम बात करते हैं अपने इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में। तो जो हमारा पहला जो इंडिविजुअल कंपाउंड है वो हिस्टामिन ही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट बट नॉट मच मोर, सो यू कैन स्किप दिस एंड फोकस ऑन द इंडिविजुअल कंपाउंड्स, ऑल दी कंपाउंड्स ऑफ हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन। तो हिस्टामिन की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन इज अ डिप्रेसर अमीन प्रोड्यूस्ड बाई एंजाइमेटिक डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन, यानी कि एक एंजाइमेटिक जो है डिप्रेसर अमीन होता है, एक अपसादी अमीन होता है, जो कि जो हिस्टिडीन का जो एंजाइमेटिक डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है उसके द्वारा इसका जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो हिस्टिडीन का जो डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन एक प्रोसेस होता है जो कि हिस्टिडीन का होता है, तो उसके ड्यूरिंग उस है ना उसके उसके फॉर्मेशन के दौरान ही इसका जो है वो फॉर्मेशन होता है। सो मॉलिकुलर फार्मूला इसका C5H9N3 है। IUPAC नॉर्मल क्रिएचर इसका दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन अकर्स एज अ सॉलिड वाइट मेट्स एट 139 डिग्री सेंटीग्रेड, एक फॉस्फेट साल्ट की तरह होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये 139 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट करता है एंड हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 209 to 210 डिग्री सेंटीग्रेड एट 18 mmHg, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना होता है। इट इज़ रीडली सोल्युबल इन वाटर, हॉट क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल एंड फैटली सोल्युबल इन ईथर, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
यूजेस की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। एंड कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, जो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, संकुचित करता है, एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर, और वैसोडाइलेटर की तरह ये काम करता है। एंड अ सेंट्रली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर, हिस्टामिन फॉस्फेट इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ डायग्नोस्टिक एड फॉर इवेल्युएटिंग गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन फंक्शन। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो आप इसको जो है सेम वही कॉमन सा आप इसमें लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो एक क्रीम के फॉर्म में आता है, स्प्रे के फॉर्म में आता है, लोशन, जेल, इंजेक्शन, सोल्यूशन के फॉर्म में हिस्टामिन आता है। ब्रांड नेम की बात करें तो सेप्लिन है, स्ट्रॉल है, तो इन नामों से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन इज़ अ फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन विच इज़ मेनली यूज फॉर ट्रीटिंग सीजनल एलर्जीज। यानी कि ये जो एंटी हिस्टामिन ड्रग है, ठीक है, एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग है डाइफेनहाइड्रामीन, तो ये जो है इसका जो मेन यूज़ है वो सीजनल जो एलर्जीज होती हैं, जैसे कि सीजनल बहुत सारे लोगों को एलर्जीज हो जाती है, किसी को गर्मी में, किसी को ठंड में, किसी भी सीजन में जो सीजनल एलर्जीज होती हैं तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। बट इट ऑल्सो एग्जिबिट्स एंटी एमेटिक, एंटी पार्किंसन, एंटी टर्शिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज़। लेकिन इसमें जो है एंटी एमेटिक एंड एंटी पार्किंसन, एंटी ट्यूसिव एंड हिप्नोटिक भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल स्ट्रक्चर इसका दे रखा है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C17H21NO है। अभी पिछली नॉमिनिकलेचर दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो डाइफेनहाइड्रामीन अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर, एक वाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है, जिसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। इट सोल्युबलाइजेज इन वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल, इन तीनों में ये सोल्युबलाइज होता है। यूज़ की बात करें तो डाइफेनहाइड्रामीन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग सिम्टम्स रिलेटेड टू वर्टिगो, जिसको हम मिनियर्स डिजीज़ बोलते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग, मोशन सिकनेस एंड इंसेक्ट वाइट। इट इज़ यूज अलॉन्ग विद 8-chloro-theophylline एज द एंटी नोजिया ड्रग। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन यहाँ पर वही सेम आप लिख सकते हैं, है ना, सबका अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सबका लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ये इंजेक्शन के रूप में आता है, सॉल्यूशन के रूप में आता है, कैप्सूल के रूप में आता है, जेल के रूप में एंड क्रीम के रूप में ये आता है। किन किन नामों से आता है, एलेराइल है, एलिड्राइल है, वेल्डिन है, मेलिक्स है, सिलाड्राइल है एंड सिल्फन कप, इन नामों से ये मार्केट में आता है। सो आई होप कि आपको हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन एजेंट समझ में आया होगा। एक मैंने हिस्टामिन को कवर किया, एक एंटी हिस्टामिन को कवर किया, बाकी हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड 7 हैं, इसमें से 2 हम कवर कर चुके हैं, बाकी के जो बचे हुए 5 कंपाउंड उनको हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।